सो मैं फॉर्म लोड एक इंडी गेम डेवलपर और इस वीडियो में हम लोग बात करें कैसे हम यूआई टूलकिट का इस्तेमाल करके एक कस्टम विंडो एडिटर बना सकते हैं। इस कस्टम विंडो एडिटर का पर्पस ये होगा कि ये एक सिलेक्टेड गेम ऑब्जेक्ट की पोजीशन को रेंडमाइज कर सकता है विद जस्ट बटन क्लिक और डिपेंडिंग ऑन द गिवन बाउंड्रीज। सो अब तुम थोड़ा इसमें दिमाग लगा के तुम चाहो तो उसको और एक्सटेंड करके एक फुल फ्लेश्ड एक टूल बना सकते हो चाहो तो यूनिटी में। कस्टम विंडो एडिटर बनाने से पहले हम जान लेते हैं यूआई टूलकिट क्या है। सो यूआई टूल की तुम्हारा कुछ नहीं एक टूल है जिसे तुम यूजर इंटरफेस बना सकते हो, बहुत एडिटर यूआई और इन गेम यूआई, पर मेनली इसको प्रीफर किया जाता है तुम्हारा एडिटर यूआई बनाने के लिए ना कि इन गेम यूआई बनाने के लिए। ऐसा क्यों है तुम उसके यूनिटी डॉक्यूमेंटेशन को चेक कर सकते हो, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन की उस पेज की। अब नेक्स्ट चीज पर आप चलते हैं इसका वर्क फ्लो। तो यूआई टूल की वर्क करने के लिए तुम्हें तीन फाइल जरूरत पड़ेगी। एक होगी तुम्हारी मार्कअप लैंग्वेज जिसमें तुम अपना स्ट्रक्चर आउट करोगे अपने एलिमेंट्स को, हम इसको कहेंगे यूएक्सएमएल। दूसरी होगी तुम्हारी स्टाइल शीट जिसमें तुम अपने एलिमेंट्स जो स्ट्रक्चर आउट किया है उसको विजुअल अपीलिंग बनाओ, कुछ विजुअल इफेक्ट डालोगे, वो होगी हमारी यूएसएस। और लास्ट होगी हमारी सी शार्प जिससे तुमने यूआई को कुछ बिहेवियर दोगे। सो मैं आ गया हूँ अपने यूनिटी एडिटर में अब, और जो वर्जन मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है 2022 LTS वर्जन यूनिटी का। और एक बार बता दूँ कि यूआई टूलकिट तुम्हारा सिर्फ 2021 और उसके ऊपर के ही वर्जन में सपोर्टेड है। सो अगर तुम 2020 या 2019 या 2018 जैसे वर्जन यूज़ कर रहे हो तो उसमें तुम्हें यूआई टूलकिट ऑप्शन नहीं मिलता। अगर तुम्हें डबल चेक करना है कि यूआई टूलकिट तुम्हारे प्रोजेक्ट में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, तो उसमें विंडो और यूआई टूलकिट का ऑप्शन यहाँ से चेक कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट थिंग, आप कस्टम विंडो एडिटर बनाने की तुम के लिए तो अपने प्रोजेक्ट विंडो में राइट क्लिक कर सकते हो और यहाँ पेड पर जाना है और पेड से यहाँ पर तुमको जाना है यूआई टूलकिट पे। तो यहाँ पर तुम्हें मल्टीपल ऑप्शन दिख जाएंगे, तो हम लोग एडिटर विंडो बनाए जाना है तो उसके लिए हमें एडिटर विंडो के ऑप्शन में क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर तुम्हारा ऐसे एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, तो यहाँ पर तुम्हें फाइल को बताना है, अपने नेम्स बताने हैं। तो मैं कह देता हूँ ऑब्जेक्ट रैंडम एडिटर नाम रख देता हूँ, और यहाँ पर कुछ एक्शन से क्रिएट फाइल्स वाली, क्रिएट फाइल ओपन यूआई बिल्ड या ओपन एक्शन एडिटर। अभी के सिर्फ क्रिएट फाइल्स वाली पर क्लिक कर दो और यहाँ पर कंफर्म कर दो। कंफर्म करने के बाद थोड़ा सा टाइम लेगा। ओके, जैसे तुम्हारा ये हो जाएगा तुम्हें यहाँ पे एक नई विंडो खुल जाएगी, इसका नाम होगा वही जिस नाम से तुमने अपने फाइल्स बनाया उस सेम नेम से तुम्हारी एक विंडो खुलेगी यहाँ पास। और एक तुम बात नोटिस करोगे तुम्हारे प्रोजेक्ट विंडो में एक और फोल्डर ऐड हो जाएगा कॉल एडिटर फोल्डर, और इसमें तुम्हारे वो तीनों फाइल्स रहेंगे जो तुमने फाइल्स जनरेट किए। तो इस यूनिटी ने तुम्हें तीन फाइल जनरेट रख दी है। पहली तुम्हारी होगी तुम्हारी एक यूएक्सएमएल फाइल, और दूसरी है तुम्हारी यूएसएस फाइल, और तीसरी है तुम्हारी सी शार्प फाइल। और अगर तुम इन केस तुम लोग में ये विंडो एडिटर नहीं खुलती है, तुम विंडो पर जाके यूआई टूलकिट में जाके उस विंडो का नाम दे सकते हो, यहाँ से उसको वापस ओपन कर सकते हो। नाउ अब इस एडिटर विंडो के ऊपर हम लोग फोकस करते हैं। तो जब तुमने कोड को जनरेट किया या जब तुमने फाइल जनरेट की, तो यूनिटी ने कुछ प्री एग्जिस्टिंग कोड और ऐड कर दिया जिससे तुम यूआई टूलकिट को और समझ पाओ। और ये जो लाइंस है तुम दिख रही है वो उसी वजह से आ रही है। सो पहली लाइन हमारी है हेलो वर्ड फ्रॉम सी शार्प, और दूसरी है हेलो वर्ड फ्रॉम यूएक्सएमएल, एंड तीसरी है हेलो वर्ड विद स्टाइल। सो ये भी इनको समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, अपनी इस यूएक्सएमएल डॉक्यूमेंट को अपनी विजुअल स्टूडियो में खोल ले रहा हूँ। तो ये देखने कुछ ऐसी थी। सो तुम्हारे पास जनरली तुम देखोगे तो यहाँ पास दो एक टैग है यूएक्सएमएल से स्टार्टिंग है और एंडिंग भी तुम्हारी यूएक्सएमएल से ही है, और जो भी चीज़ें दे रहे हो उसके अंदर ही तुम डाल रहे हो, और कुछ ऊपर तुम्हारा मेटा डेटा हो गया। पर जो मैं मेन चीज़ यहाँ फोकस करनी है वो लेवल पे, बिकॉज लेवल में देखोगे यहाँ पर लिखा है हेलो वर्ड फ्रॉम यूएक्सएमएल एंड हेलो वर्ड विद स्टाइल्स, सेम दो लाइन्स यहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं। सो ये दोनों तुम्हारे इंक्लोज हैं तुम्हारे लेबल एलिमेंट में। सो लेबल का जो काम होता है वो टेक्स्ट दिखाना है तुम्हारे यूआईस में। तो और उसके अंदर तुम टेक्स्ट एट्रीब्यूट दे रहे हो जिसमें तुमने बताया तुम्हें क्या वहाँ लिखना है, और सेम यहाँ पास भी हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं हेलो वर्ड फ्रॉम यूएक्सएमएल में यहाँ थोड़ा चेंजेस करके लिख देता हूँ हेलो वर्ड फ्रॉम पॉलन ब्लड, और उसको मैं सेव कर देता हूँ, तो ये मुझे चेंजेस वहाँ दिखने चाहिए एडिटर अगर तो आई थिंक ये अभी एडिटर मुझे चेंजेस दिख नहीं रहे हैं। सो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अपने इस एडिटर विंडो में राइट क्लिक करके यूआई टूल के लाइव लोड को लोड मैं इनेबल कर दूंगा, तो इससे मेरे जो चेंजेस हैं वो दिखने लग जाएंगे। अगर सेम चीज़ मैं अपने दूसरे में कर देता हूँ लाइक हेलो वर्ड फ्रॉम विद स्टाइल स्टाइल एंड तो कुछ एंड फॉल एंड ब्लर अगर यहाँ लिख दूँ और फिर सेव करूँ और वापस जाऊँ तो मुझे दिखने लगेगा। सो मेक श्योर तुम क्या करना कि यहाँ पर एडिटर विंडो में अपने लाइव यूआई टूल के लाइव रीलोड को इनेबल रखना, तो ये तुम्हारे पास ऑन द स्पॉट से चेंजेस दिखाता रहेगा। नाउ अब बात करते हैं ये जो हेलो वर्ड विद स्टाइल है ये इतना अलग क्यों दिख रहा है या कैसे इतना अलग हो रहा है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले अपने यूएसएस को खोलना पड़ेगा। तो यूएसएस में हमारे पास कुछ ऑलरेडी पीएसएस कोड है, अगर इसमें मैं चाहूँ तो क्या करता हूँ कलर को मैं चेंज करके 255 कर देता हूँ और बैक टू एडिटर जाता हूँ, तो मुझे वो चेंजेस वहाँ पर दिखने जाते हैं। इसमें और भी प्रॉपर्टीज लाइक फॉन्ट साइज एंड फॉन्ट स्टाइल, मैं फॉन्ट साइज को लाइक 22 कर दूँ तो मेरे को टेक्स्ट थोड़ा और बड़ा हो जाएगा समथिंग लाइक दैट। बट मेन थिंग है
इस यूएसएस को चल रहा है, मुझे इसी यूएक्सएमएल डॉक्यूमेंट में जो एलिमेंट्स यूनिक को ही स्टाइल करना है, तो उसके लिए मुझे अब वापस यूएक्सएमएल में जाना होगा। वहाँ पर मैं चेक करूँ, मेरे पास एक स्टाइल टैग है जिसमें एक एट्रीब्यूट जो है सोर्स, उसमें मेरा यूएसएस का पैर दिया हुआ है, तो इससे मुझे पता चला कि हाँ ये दोनों फाइल अब लिंक्ड हो गई हैं। पर अब इस फाइल में इसको कैसे पता चला कि मुझे इस स्पेसिफिक एलिमेंट को ही मुझे स्टाइल करना है, तो वो पता चला उसे क्लास की वजह से। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो यूएसएस में क्लास सेलेक्टर है, तो ये क्लास सेलेक्टर का जो नाम है वो सेम है यहाँ इस क्लास से, तो इससे पता चला कि हाँ यूएसएस को कि मुझे इस स्पेसिफिक क्लास को ही स्टाइल करना है। सो मेन चीज़ है जो तब तुम फिर क्लास सेलेक्टर डिफाइन करते हो अपने यूएसएस में, उसको तुम स्टार्ट करते हो डॉट से। जो डॉट है वो बताता है कि हाँ जो मैं यूज़ करने आ रहा हूँ वो क्लास सेलेक्टर है। सो डॉट, उसके बाद जो क्लास का नाम है उसको तुम भी स्टाइलिंग कर सकते हो। पर अब क्या यूएसएस में क्या यही सिर्फ एक ही टाइप का सिलेक्टर है? नहीं, तुम्हारे यूएसएस में दो और टाइप के सिलेक्टर हैं जहाँ तक मुझे पता है। एक तुम्हारा हो गया नेम सिलेक्टर और दूसरा है तुम्हारा टैग सिलेक्टर। थोड़ा सा मुझे नाम कंफर्म नहीं है, आई थिंक उसको वही बोलते हैं। पर जो नेम सेलेक्टर है वो तुम्हारा एक तरह से आईडी सेलेक्टर की तरह है, और जो क्लास सेलेक्टर तो तुम्हें दिख रहा ही है, और जो टैग है वो सारे टैग्स के ऊपर लग जाएगा तुम्हारे, तो वैसा है। तो फॉर एग्जांपल मैं नेम सेलेक्टर इस्तेमाल करता हूँ, तो इसके आगे मैं एक नेम दे देता हूँ इसका। तो नेम इज़ लाइक आईडी, अगर तुमने सीएसएस को यूज़ किया है तो उसमें तुम्हें आईडी और क्लासेस मिलती थी, तो नेम आईडी है और पर्पज़ दोनों का एकदम सेम ही है नेम आईडी का। तो नेम को तुम किसी यूनिक एलिमेंट के यूज़ करोगे, क्लास को तुम ग्रुप के यूज़ करोगे, सो यही है। तो मैं लेट्स से मेरे को नेम दे के यहाँ पर कुछ दे देता हूँ, समथिंग नेम लाइक कस्टम टेक्स्ट, जिस नाम देते हो उसको मैं कॉपी भी कर ले रहा हूँ, कंट्रोल प्लस सी। और मैं यूएसएस में जाऊँगा, यूएसएस में इसके नीचे ही मैं एक हैश टैग दे दूँगा। अब इसमें जो नेम सेलेक्टर को सिलेक्ट करने का तरीका है वो तुम्हारा हैश टैग होगा, तो हैश टैग, उसके बाद मैं अपने कर्ली ब्रैकेट्स दे दिया, ठीक है। मैं इसको भी कॉपी कर ले रहा हूँ इस चीज़ को, पर इसमें क्या कर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन डाल देता हूँ। लेट्स से इसको मैं 18 कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, 18 कर दे रहा हूँ। कलर्स को मैं कुछ लाइक रैंडमली कुछ और दे देता हूँ, लाइक 43 और 166 समथिंग लाइक दैट, और कुछ सेव कर ले रहा हूँ, ठीक है। और जब इसको सेव कर दूँगा और वापस मैं यूएक्सएमएल को सेव करना भूल गया, यूएक्सएमएल को भी सेव कर देता हूँ और वापस जाता हूँ अपने एडिटर में, तो मुझे वो सेम स्टाइलिंग यहाँ भी दिख रही है। और लेट्स नाउ चेक करते हैं अपने बॉडी सॉरी टैग्स रिलेटेड इस चीज़ों को। उसके लिए मुझे अपने नेम को मैं हटा देता हूँ, मुझे अब नेम नहीं चाहिए ना ही क्लास चाहिए, उनको ऐसे नहीं देता हूँ, स्टाइलिंग हट गई। ओके, अब यूएसए में जाऊँगा, मुझे अब जितने भी लाइक मेरा चाहता हूँ कि जितने भी लेबल्स होंगे मेरे हेलमेट में वो सबका एक सेम स्टाइल लग जाए, उसके लिए यहाँ पर लिखूँगा लेबल, सॉरी लेबल, और फिर नॉर्मली यहाँ पर स्टाइल कर लग जाऊँगा। तो मैं उसमें इसी कॉपी कर ले रहा हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल प्लस बी, और यहाँ पर क्या करता हूँ कुछ दूसरा कलर देता हूँ 74, और लेट्स गिव इट समथिंग लाइक कलर, इसको दे देता हूँ 20, और इसको मैं थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ, हाँ सेव करता हूँ, वापस चलता हूँ, वो यहाँ पर चेंजेस दिखने लगे मेरे को। सो ये तुम्हारे पास कह लो थे तीन तरीके हैं अपने यूएस स्टाइलिंग करने के लिए। अब तुम्हें मैं लिंक दे दूंगा डॉक्यूमेंटेशन की, वहाँ पर तुम्हें सारे टैग्स दिख जाएंगे उनके एट्रीब्यूट्स साथ, तो तुम उसको चेक कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे टैग्स हैं और तरीके वर्क करने के, तो तुम्हें वो उस डॉक्यूमेंट को देखना चाहिए ना। हमने बहुत सी यूएक्सएमएल और यूएसएस ऊपर बात कर ली है, पर उन लोगों क्या जिन लोगों को लाइक मेरे को ड्रैग एंड ड्रॉप करना, मैं बस यूआई बन जाइए ऐसे लोगों के लिए। सो उसके लिए भी रिवेंडिंग के पास यूआई बिल्डर है, तो उसको खोलने के तुम अपने यूएक्सएमएल डॉक्यूमेंट पर डबल क्लिक कर सकते हो। जिन लोगों को ऐसा ना खुले वो विंडो पर जाके यूआई टूलकिट पर जाके अपना यूआई बिल्डर सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यूआई बिल्डर को डॉक कर ले रहा हूँ जिससे मुझे थोड़ा और स्पेस मिल जाए, इसको थोड़ा सा नीचे कर ले रहा हूँ और यहाँ से थोड़ा एक्सपेंड कर ले रहा हूँ, तो मुझे अच्छा क्लियर भी मिले। अब फोकस करते हैं अपने इस यूआई बिल्डर के अंदर। तो यहाँ पर हमने जो भी चेंज अपने यूएक्सएमएल पे या यूएसएस भी किए थे वो सब हमको साफ साफ यहाँ दिख रहा है। इवन लाइक मैं अपने यूएक्सएमएल फाइल के हार्ड की देखूँ तो यहाँ पर दो लेबल दिखते हैं हमको, और जो हमने कुछ सिलेक्टर्स बनाए थे वो सारे सिलेक्टर्स हमको दिख रहे हैं। इवन लाइक अगर मैं इसमें बटन ले जाकर एलिमेंट को यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, तो वो बटन यहाँ ऐड हो जाएगा और सेम बटन यहाँ मुझे रिफ्लेक्ट मिल जाएगा। और इवन लाइक इस फाइल को सेव कर देता हूँ और वापस जाता हूँ अपने यू एक्स एम एल डॉक्यूमेंट पे, तो यहाँ पास मुझे वो चेंजेस रिफ्लेक्ट होते हैं। इसमें थोड़ा कोड फॉर्मेट भी कर दिया, बस वो बात की बात है, पर वो जो बटन हमें ऐड किया था वो हमने यहाँ पास अपने यू एक्स एम एल डॉक्यूमेंट में दिख रहे हैं। सो हमें एक तरह से रन टाइम पैड कुछ चेंजेस देखने मिलते हैं। अब देखो ये टूल ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं है, तुम्हारा सिंपल सा एक वॉट सी एंड वॉट यू गेट एडिटर है। तुम अपने लाइब्रेरी से यहाँ एलिमेंट उठाओगे, यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर दोगे, उसके बाद स्पेक्ट्रम में जाके तुम अपने चीज़ों को कस्टमाइज़ करो, अपने एलिमेंट को कस्टमाइज़ करो, जिससे तुम कुछ अच्छा विजुअल अपीलिंग इफेक्ट पा पाओ, राइट। तो इतना भी कॉम्प्लिकेट नहीं है, तभी मैं कुछ तुम्हें कुछ चीज़ें मैं समझा देता हूँ।
लाइक अगर तुम ऊपर देखो यहाँ पास, तो यहाँ पास तुम देख सकते हो तुम्हें नेम मिलता है, याद आया नेम क्या, ये एक आईडी है, तो तुम यहाँ पास उसको अपने खुद के कस्टम नेम दे सकते हो या यूनिक नेम दे सकते हो। लाइक से बटन कर मैंने दिया लाइक कस्टम, यहाँ टाइप कर दूंगा लाइक कस्टम बटन, और ये नेम अगर तुम क्लिक करता हूँ ये सेम नेम तुम यहाँ रिफ्लेक्ट होने लग जाएगा। नेक्स्ट चीज़ है लाइक तुम्हारे तुमने कुछ विजुअल इफेक्ट दे दिया, लाइक से मैं इसका बैकग्राउंड कलर क्रिएट कर दिया। अब मैं चाहता हूँ इसका जो मैंने जो स्टाइल दिया है वो एक मेरी यूएसएस फाइल में आ जाए, बिकॉज जो अभी मैंने जो स्टाइल दी वो एक इनलाइन स्टाइल है, और मैं चाहता हूँ इसको यूएसएस फाइल में डाल दूँ जिससे मैं और भी एलिमेंट में यूज़ कर पाऊँ, राइट। तो उसके लिए तुम्हें बस कुछ नहीं करना है, स्टाइल सीट में जाना है, यहाँ पास स्टाइल क्लास लिस्ट में, वहाँ पास उस सिलेक्टर का नाम जिस सिलेक्टर से तुम उसको यूएसएस फाइल में ला जाते हो, लेट्स से कस्टम बटन स्टाइल, ठीक है। मैं कह रहा था एक्सट्रैक्ट इनलाइन स्टाइल टू न्यू क्लास, तो ये यहाँ पर उसको एक्सट्रैक्ट कर देगा। सो अगर मैं जाके दूसरा बटन ले जाके यहाँ डाल देता हूँ, और मैं चाहता हूँ ये स्टाइल अब इस बटन पे भी आ जाए, तो मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे बस सेम नाम लिखना है लाइक कस्टम बटन स्टाइल, और यहाँ पर फिर लिखूँगा एड स्टाइल क्लास टू लिस्ट, सिंपली यहाँ पर वो चेंजेस आ गए हैं। तो इतना भी लाइक कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तुम्हें यहाँ पर और भी लाइक चीज़ें मिल जाती हैं, तो वहाँ पर टेक्स्ट यहाँ उसका टेक्स्ट एडजस्ट कर सकते हो लाइक हेलो चेंज हो गया, और भी लाइक बहुत से प्रॉपर्टीज़ हैं। नाउ इट्स अप टू यू तुम कैसे उसको यूआई बिल्डर यूज़ करते हो। ओके, अब तक हमने बहुत कुछ चीज़ें देख ली हैं, पर मेन बात पे आते हैं कि जो हेलो वर्ल्ड फ्रॉम सी शार्प है वो आ कहाँ से रहा है, बिकॉज अगर यू एक्स एम एल में होता तो हमें साफ साफ यूआई बिल्डर मिल जाता या यू एक्स एम एल की डॉक्यूमेंट में दिख जाता, पर ऐसा नहीं है। दूसरी चीज़ है कि यूनिटी को पता कैसे चल रहा है कि हाँ मुझे यही यूआई डॉक्यूमेंट को इसी एडिटर विंडो में ड्रॉ करना है, लाइक मेरे पास मल्टीपल एडिटर विंडो है, तो उस केस में कैसे पता चलेगा यूनिटी को कि हाँ इस ये यूआई डॉक्यूमेंट इस एडिटर विंडो का है, लाइक दैट। तो वो सब का सवाल तुम्हारा छुपा है तुम्हारी सी शार्प फाइल में जो तुमने जनरेट की थी, तो उसको मैं अपने विजुअल स्टूडियो में खोल लेता हूँ। सो ये मेरी एडिटर विंडो की स्क्रिप्ट है, तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो यहाँ पर मुझे हेलो वर्ल्ड फ्रॉम सी शार्प देखने को मिल रहा है, सेम लाइन जो यहाँ पर लिखी हुई है वो सेम लाइन मुझे यहाँ देखने को मिल रही है। तो इससे एक बात मुझे पता चले कि मैं सी शार्प की मदद से भी विजुअल एलिमेंट बना सकता हूँ यूनिटी में। अब बात करते हैं इस कोड के स्ट्रक्चर के बारे में, तो मुझे फर्स्ट लाइन में उसकी इस टूल इस स्क्रिप्ट के रिगार्डिंग जो भी नेम स्पेस रिक्वायर्ड है वो मुझे मिल जाते हैं। उसके बाद तुम्हें क्लास है, मेरे क्लास का नाम, उसके बाद जिस क्लास से डिराइव्ड है वो है एडिटर विंडो, उससे तो उससे मुझे एक बार पता चले कि ये स्क्रिप्ट जो है वो एडिटर विंडो की स्क्रिप्ट है। उसके बाद मेरे पास एक वेरिएबल है विजुअल ट्री एसेट करके, सो अगर यूनिटी में तुम्हें अपने यू एक्स एम एल डॉक्यूमेंट को रेफरेंस करना है तो तुम विजुअल ट्री एसेट कीवर्ड का इस्तेमाल करोगे। और अगर तुम्हें वापस एडिटर में जाता हूँ अपने इस स्क्रिप्ट को सेट करता हूँ इंस्पेक्टर में जाता हूँ और लाइक अगर इसका वही देखूँ तो मुझे ये जो मेरे यू एक्स एम एल डॉक्यूमेंट है वो यहाँ से अटैच दिखती है मेरे को, तुम देख सकते हो अटैच है दोनों। उसके बाद अगर मैं ध्यान दूँ तो मेरे पास एक मैथड है, उसके ऊपर एक एट्रीब्यूट भी है, सो जो तुम्हारा पब्लिक स्टैटिक वॉइड सो एग्जाम्पल है ये तुम्हारा रिस्पॉन्सिबल है उस एडिटर विंडो को ओपन करने के लिए। सो लेट्स से लाइक मेरी मेन्यू आइटम दिया विंडो यू आई टूल किट और जो भी ऑब्जेक्ट रैंडम एडिटर, सो अगर मैं वापस जाता हूँ विंडो पे और उसी पैथ को फॉलो करता हूँ यू आई टूल किट और जो रैंडम एडिटर ये उसको खोल देता है। सो एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पास, मैंने एक मैथड बना दिया है और उसके बाद मैंने एक मेन्यू आइटम बना दिया है, बिकॉज अब जब भी इस मेन्यू आइटम में क्लिक हो तो ये फंक्शन को यूनिटी को कॉल करना है, मैं ऐसे यूनिटी को बता रहा हूँ। जो ही नहीं कि इसका नाम सो एग्जाम्पल हो तो उसका नाम चेंज करके सो विंडो भी कर सकते हो, कोई गड़बड़ नहीं होगी, इतना ना करो सो विंडो, तो ये तभी लाइक ऐसा सेम वर्क करेगा विंडो यू आई टूल किट और यहाँ पर सेम वैसे वर्क करेगा राइट। और इवन लाइक तुम उसका पैथ भी चेंज कर सकते हो, लाइक से विंडो मेक सो ये तुम्हारे विंडो के अंदर रहे, या इवन लाइक तुम विंडो के बाहर दे रहे हो तुम डायरेक्टली ऑब्जेक्ट रैंडम एडिटर ना करके यहाँ पर कुछ कस्टम नाम लिख देना। सो अगर जाता हूँ वापस मेन्यू आइटम में हो जाए तो सो अपने मेन्यू जाता हूँ विंडो और यहाँ पास मुझे वो एडिटर देखने को मिल जाएगा राइट। सो मैं अपना खुद का कस्टम पैथ दे सकता हूँ यहाँ पास, और फिर उसके अंदर तुम देखने मिलो वहाँ पास एक लाइन होगी गेट विंडो करके, सो ये क्या करेगा ये यूनिटी से एक विंडो ले लेगा उसके लिए, उस और जब भी मैं उस पर क्लिक करूँगा एक विंडो बना देगा ये, ठीक है। और उस विंडो का क्या टाइटल होगा कंटेंट होगा वो सब मैं इस टाइटल कंटेंट के वेरिएबल से मैं उसको सेट कर सकता हूँ उस प्रॉपर्टी से। तो उस लाइक इसमें मैंने विंडो डॉट टाइटल कंटेंट एक्सेस किया, उसके बाद जो आई कंटेंट, उसके बाद मैंने उसको नाम दे दिया उस टाइटल का, जैसे अभी मेरा नाम ये है उसको मैं चेंज करके यहाँ पर लेट्स से टी लगा देता हूँ, मैं सारी स्पेलिंग अलग दी थी, लेट्स से मैं सही करें मैं टी लगा देता हूँ यहाँ पर और सेव करता हूँ, तो तुम्हें ये डायरेक्टली या सॉरी डायरेक्टली बोल रहा हूँ तुम्हें नहीं दिखेगा ये चेंजेस, तुम्हें इस विंडो को स्टार्ट करना पड़ेगा, सो क्लोज टैब एंड विंडो
और वापस जाता हूँ उसके ऊपर, तो तुम्हें ये नाम यहाँ पर चेंज दिख जाओगे, यहाँ पर टी बहुत छोटा होगा पर दिख रहा होगा, अगर दिख रहा है। ओके सो देखो, अब तुम्हें यहाँ पर बात नोटिस की, तुरंत तो हुआ नहीं ये, तुम्हें जब मैंने एडिटर विंडो और से स्टार्ट किया तभी हुआ, तो इससे तुम्हें आज चलती ये सिर्फ फंक्शन मेरा एक ही बार कॉल होगा जब भी मैं उस एडिटर विंडो को ओपन करूँगा, राइट। उसके बाद मेरा नीचे है क्रिएट जीयूआई, तो क्रिएट जीयूआई क्या करेगा, जब भी मैं उसको ओपन किया, अब उसके अंदर के जो एलिमेंट्स को मुझे ड्रॉ करना है तो वो उस क्रिएट जीयूआई मैटर करता है। ये भी तुम्हारा सिर्फ एक ही बार कॉल होगा जब तुमने एज सून एज तुम उसको अपने एडिटर विंडो को ओपन करोगे वैसे तभी कॉल होगा। उसके अंदर तुम हर किसी एडिटर विंडो का एक रूट होता है, रूट एलिमेंट होता है, जैसे तुम्हें यूआई एलिमेंट ड्रॉ करना है तुम्हें कैनवस चाहिए उससे पहले, वैसे ही तुम्हें एडिटर विंडो में कुछ चीज़ें ड्रॉ करने से पहले उसका एक रूट चाहिए होगा, तो वो रूट तुम्हें मिलेगा रूट यूजर एलिमेंट से, उसको मैं यूजर एलिमेंट में स्टोर कर लूँगा। अब मुझे लगता है उस रूट में कुछ डालना है नया, ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक यूजर एलिमेंट बना लिया सी हिसाब में, न्यूटन क्या किया सी हिसाब में यूजर एलिमेंट बनाया, एक न्यू लेबल करके बना लिया लेबल, ठीक है, उसमें जो भी टेक्स्ट था वो उसने लिख दिया, और फिर उस रूट में उसने वो लेबल ऐड कर दिया, समझो उसने रूट में लेबल को ऐड कर दिया है। तो अगर मैम तो इस तो जब भी उसने रूट डॉट ऐड लेबल किया तो उसने इस फाइल उस हिसाब के लेबल को यहाँ से ऐड कर दिया। उसके बाद उसने क्या किया, लेबल फ्रॉम यू एक्स एम एल, तो जितने भी मेरे लेबल्स थे मेरे यू एक्स एम एल में जो भी टैग्स एलिमेंट जो भी थे वो सब उसके बाद उसने स्पॉन किया है, कैसे, सो उसने एक और एलिमेंट बनाया विजुअल एलिमेंट। सो एक बात याद रखना, तुम्हारा कोई भी यूआई यूआई टूल किट में जो भी चीज़ होगी उसको हम ज़्यादातर विजुअल एलिमेंट्स रिफर करते हैं, जो भी टैग है या मेरी यू एक्स एम एल की जो भी चीज़ें अंदर कंटेंट होगा वो सब एक विजुअल एलिमेंट ही है। उसने क्या किया, एक विजुअल एलिमेंट का एक वेरिएबल बनाया, लोकल वेरिएबल, उसका नाम दे दिया। अब तुम देखो ये जो मेरा स्क्रिप्ट थी उस स्क्रिप्ट का उसने रेफरेंस लिया तो उसमें डॉट इंस्टेंशिएट कॉल कर दिया। इंस्टेंशिएट क्या करेगा, जो भी तुम्हारे यूआई एलिमेंट यू एक्स में जो भी तुम्हारा स्ट्रक्चर था उसको वापस स्पॉन कर देगा, वापस ड्रॉ कर देगा, या उसमें या उसकी चीज़ों को गेट कर लेगा। और फिर जब वो उस विजुअल एलिमेंट मैंने उस चीज़ों को स्टोर कर लिया तो मैंने उसके बाद यू एक्स में उसको एक तरह से स्पॉन कर दिया, इंस्टेंशिएट कर दिया, ऐड कर दिया। इसी तो एक रीज़न है कि तुम्हें ये पहले दिख रहा है उसके बाद ये तो दिख रहा है, क्योंकि मैंने उस रूट में जो अपने जो लेबल्स फ्रॉम यूएक्सएमएल उसको बाद में डाला था। मेरे लाइक अगर मैं इसको कॉपी करके या ऊपर उसको ले जाकर ऊपर कर देता हूँ तो अब मुझे एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर का चेंज होता दिखेगा, तुम देख सकते हो अभी हेलो वर्ल्ड फ्रॉम सी सब नीचे आ गया और जो मेरा यूएक्सएमएल के जो डॉक्यूमेंट्स थे वो ऊपर आ गया। ओके सो ये तुम्हारा कुछ बेसिक स्ट्रक्चर था एडिटर विंडो के स्क्रिप्ट का। सो ये बात याद रखना कि एडिटेड जो है तुम्हारा जब तब तक कॉल होगा जब तक तुम इस एडिटर विंडो को चेंजेस करोगे ना तब वहाँ कॉल होगा, सो विंडो वहाँ एक बार ही कॉल होने वाला है वैसे भी। अब हम लोग अपना खुद का एडिटर बना विंडो बनाना शुरू करते हैं। सो मैंने अभी तक क्या किया कि मैंने अपने सारे सिलेक्टर्स और टैग्स को डिलीट कर दिया है, सीसा फाइल को थोड़ा क्लीन कर दिया है, उसमें से वो जो लेबल वाला था वो पार्ट हटा दिया और उस एलिमेंट को रीनेम कर दिया है। दो अपने एडिटर विंडो को बना शुरू करते हैं। सो मैंने क्या कर दिया, सबसे सारे सिलेक्टर्स और एलिमेंट्स को डिलीट कर दिया है, अपने यूआई डॉक्यूमेंट को खाली कर दिया है और सीसा फाइल को थोड़ा सा क्लीन अप कर दिया है मैंने, और खास कर मैंने यहाँ पर रीनेम कर दिया है लेबल फ्रॉम यूएक्सएमएल से यूआई फ्रॉम यूएक्सएमएल कर दिया है बस। नाउ अब स्टार्ट करते हैं अपने कुछ उसको बनाना। सो फर्स्ट थिंग, अपने हाइरार्की अपने यूआई डॉक्यूमेंट सेट कर लूँगा। तुम लोग चाहे तो एडिटर एक्सटेंशन ऑप्शन को इनेबल भी कर सकते हो, ये ऑप्शनल है, बट तुम्हें ये कुछ और एडिटर टूल्स को दे देता है, जैसे लाइक कि तुम्हें ये ऑप्शन दे देगा कलर और ग्रेडियंस का फील्ड बनाने के लिए, चॉइस फील्ड, टैग मास्क फील्ड, टूल बार फील्ड, ये सब चीज़ें तुम और दे देगा। सो अगर ये तुम पे है तुम्हें अगर ये सब डालना है तो तुम लोग उसको यूज़ कर सकते हो, बस मेक श्योर रखना ये सिर्फ एडिटर तक ही ये एलिमेंट्स लिमिटेड है, उसको इन गेम यूआई में डालने की कोशिश मत करना, मतलब यूनिटी तुम्हारा गेम बिल्ड नहीं होगा, तो ये बात याद रखना। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट क्या करता हूँ, मैं अपने इस एडिटर विंडो में एक लेबल डाल देता हूँ जिसमें पता चलता है हाँ ये एक ऑब्जेक्ट रेंडरमाइजर एडिटर है, तो मैं यहाँ पर लेबल ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। और यहाँ पास क्या करता हूँ, मैं इस लेबल में कुछ टैक्स लिख देता हूँ, जैसे से ऑब्जेक्ट रैंडम विंडो या रैंडम विंडो या रैंडम विंडो जीप लगेगा, रैंडमाइजर कर देते हैं, ऑब्जेक्ट रैंडमाइजर, ठीक है, तो यहाँ आ गया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसका साइज 22 कर देता हूँ और इसको सेंटर कर दे रहा हूँ मैं। तुम चाहे तो कुछ कलर भी दे सकते हो, लेट्स से मैं उसका कलर मैं इसको वाइट दे देता हूँ, इस मेरा जो एडिटर है वो अभी ब्लैक है बैकग्राउंड में, तो उसको मैं थोड़ा वाइट दे देता हूँ तो ये दिखेगा। और नेक्स्ट चीज, अगर तुम यहाँ पर नोटिस करो मुझे जो चेंजेस मैं कर रहा हूँ यहाँ रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं, तो उससे तुम कह सकते हो यहाँ पर राइट क्लिक कर सकते हो, वाइट टूल की लाइफ लोड को इनेबल और डिसेबल कर सकते हो,
ये थोड़ा सा बग है, पर याद रखना अगर चेंजेस तुम्हें नहीं रिफ्लेक्ट होते हैं तो तुम उसको टॉगल और अनचेक या चेक कर सकते हो, तो वो तुम्हें दिखने जाएंगे। अब तुम्हें ये ऑब्जेक्ट दिखने लगा है, ध्यान दो ये थोड़ा बहुत ज़्यादा पास है, तो उसमें कुछ मार्जिन दे देता हूँ ऊपर से, तो इससे मार्जिन होगी मेरी 10 की ऊपर से। यस हो गया। नाउ मैं कुछ वेक्टर फील्ड डाल देता हूँ जिसमें अपना जो गेम का सॉरी जिससे मैं बाउंड्रीज सेट कर सकूँ, लाइक मिनिमम बाउंड्री और मैक्सिमम बाउंड्री, जिससे बता सकूँ कि हाँ इतने ही रेंज में तुमको ऑब्जेक्ट को रैंडमाइज करना है। तो उसके लिए मैं कंट्रोल्स में नई नंबरिंग फील्ड में वेक्टर सी ढूंढता हूँ, तो वेक्टर सी को यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। मुझे दो वेक्टर सी चाहिए, एक मैक्स व्हील की और मिन के लिए। सो पहली वाली को मैं सब कुछ सेटिंग्स बाय डिफॉल्ट तक देता हूँ। तो ये तो कब तुम पे है, तुम्हें कैसे इसको एडजस्ट करना है? मैं तो अभी बाय डिफॉल्ट ले चल आता हूँ, मुझे काफ़ी ठीक ही लग रहा है। सो मेन बाउंस डाल देते हैं इसका नाम, और नीचे वाले का नाम डाल देते हैं मैक्स बाउंस, और क्या बोलते हैं मैक बाउंस। और ये जो चीज़ें थोड़ा सा बहुत पास हैं, तो मैं इसको भी कुछ पैडिंग दे देता हूँ। इसकी पैडिंग लाइक 2 है, तो समवॉट लाइक इसकी पैडिंग मैं दे देता हूँ 8 पिक्सल सॉरी मार्जिन, और यहाँ से भी मैं मार्जिन 8 पैडिंग दे देता हूँ। ओके काइंड ऑफ ठीक लग रहा है। सेम फॉर दिस, तुम चाहे उसको CSS क्लास में एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, इससे और जल्दी जाएगा, तुम्हें मल्टीपल और फील्ड्स हैं तो उससे समझ जाएगा। तो पर अभी चीज़ सिंपल लगते हैं, मार्जिन 8 और पैडिंग 8। ओके सो ये देखने में सही लग रहा है मेरे को। और यहाँ से एक और टेक्स्ट फील्ड बना देते हैं हम लोग, जिससे मतलब हमें कितने हमने ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट किया है, जस्ट फॉर द डिबगिंग पर्पज लाइक समथिंग लाइक दैट। तो उसके लिए मैम एक लेबल डाल देता हूँ यहाँ पास, एक लेबल, और जैसे इसका नेबल का नाम कर देते हैं सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स काउंट, और जैसे इसको दे देते हैं जैसे इसको 99, जैसे ये 99 नहीं सॉरी 0 कर देते हैं, तो 0 होगा। और इसको भी थोड़ा सा लाइक ये बहुत ज़्यादा स्टिक कर रहा है, तो इसको भी मैं थोड़ा सा लेफ्ट से मार्जिन दे देता हूँ लाइक 8 की। तो ये थोड़ा ठीक दिखने लगा मेरे को, राइट। थोड़ा सा इसको साइज बढ़ा देता हूँ, 16 कर लेता हूँ, नाइस दिख रहा है। उसके बाद चलो बटन बना देते हैं जिससे मैं क्लिक करने से मेरा ऑब्जेक्ट रैंडमाइज लग जाए, राइट। सो बटन बटन यहाँ पर बटन ड्रैग एंड ड्रॉप मार देता हूँ मैं, तो यहाँ पर बटन आ गया पर कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। तो उसके लिए मैं इसके साइज़ में जाके इसके मैं साइज़ को एडजस्ट कर सकता हूँ। फिर मुझे लाइक साइज़ को देखना एडजस्ट करके मैं पैडिंग ही कम ज़्यादा कर उसको लाइक फुल साइज में नहीं देता हूँ, फिर मार्जिन चेंज कर देता हूँ तो ठीक रहेगा। तो इसकी मार्जिन मैं 16 कर देता हूँ फ्रॉम ऑल साइड्स। ओह देव सही लग रहा है। और उसके बाद मैं इसकी पैडिंग को भी लाइक 8 कर दूँ, ठीक है। सो अगर एलिमेंट इसके बाहर जाए तो ध्यान नहीं देना, क्योंकि ये तुम्हारी तरह से कैनवस है, प्रिफ्रेंस की कैनवस है, तो ज़्यादा ध्यान मत दो इसमें बाहर भी जा रहा है तो। और लाइक मैं साइज़ ओके नहीं सही दिख रहा है मुझे। तो बटन इस बटन के अंदर का टेक्स्ट भी हम लोग कुछ चेंजेस कर देते हैं। लेट्स से टेक्स्ट ये रहा, सो लेट्स से रैंडमाइज कर देते हैं, इसके साइज़ को बढ़ा देते हैं यहाँ जाके 16, जब रूम सही दिख रहा है। तुम चाहे उसके कलर्स के साथ भी खिलवाड़ कर सकते हो, ये तुम पे है। तो हमने एक बेसिक एडिटर बना लिया। अब कुछ मेन काम पे आते हैं यहाँ पास, कि अब जब हम हिसाब फाइल में इन सब चीज़ों में जो बिहेवियर डालेंगे, लाइक से मैं जब उसकी वैल्यू को रीड कर रहा हूँ मेन मैक्स बाउंड की, रैंडमाइज कुछ क्लिक इवेंट डाल रहा हूँ, तो हिसाब फाइल को पता कैसे चलेगा कि मुझे किस एलिमेंट को लेना है? अब यहाँ पास काम आता है उस नेम सेलेक्टर का, तुमने देखा था नेम का। तो मैं क्या करूँगा, तुम अगर तुम किसी भी फील्ड को लाइक सेलेक्ट करते हो और यहाँ पास लाइक सबसे टॉप वाली लाइन देखते हो, ये तुम्हें ब्लैंक मिलती है, और मैं होवर करता हूँ तो यहाँ पर एक हाईलाइट आता है नेम करके। जी ये नेम मेनली इसी काम के लिए तुम्हारा बना है ना। सो लेट्स से इसको मैं कुछ नेम दे देता हूँ, मेन बाउंस ना सॉरी सेलेक्ट ही नहीं किया था मैंने, मेन बाउंस या फोटो रहने देता हूँ मेन बाउंड करके। ओके बाउंड, तो यहाँ पर वेक्टर सी फील्ड में यहाँ पर मैक्स बाउंड कर देता हूँ उसका नाम, ठीक है। और मेरे पास ऐसे एक ही बटन है, मल्टीपल बटन्स होती तो तब जो थी पर तब भी मैं नेम डाल देता हूँ बस इसके लिए, जैसे रैंडमाइज रैंडमाइज बोल। ओके सो मैं नेम डाल, तो इस नेम की वजह से मैं इस आप एलिमेंट को मैं ढूंढ पाऊंगा अपने इस हिसाब स्क्रिप्ट में। नाउ अब हमने जो यूआई एलिमेंट्स बनाए थे उनको अब इस हिसाब में गेट करते हैं, और फिर उसको प्रोसेस करके हम अपने ऑब्जेक्ट को रैंडमाइज करेंगे। तो पहले तो फील्ड जो हमें गेट करनी है वो होगी हमारे मेन मैक्स बाउंड, क्योंकि उसमें हम लोग अपने जो वैल्यूज इनपुट करेंगे तो उसमें वहीं से हमें रीड भी करनी है। सो पहले मैं आ जाऊँ वेक्टर थ्री फील्ड, बिकॉज वो जो यू आई एलिमेंट है वो एक वेक्टर थ्री फील्ड है, ठीक है। और उसमें हम लोग देते हैं नाम इसका मेन मेन बाउंड फील्ड। अब इसमें मुझे ये मेरी एग्जिस्ट करती है मैं यूआई डॉक्यूमेंट में, जो यूआई यूएक्सएमएल थी उसमें एग्जिस्ट करती है, तो मैं कहता हूँ यूआई फ्रॉम यूएक्सएमएल डॉट। अब यहाँ पर हमें क्वेरी करनी है, तो क्वेरी करने के दो तरीके हैं। सो जब जब तुम्हें मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्स क्वेरी करने हैं, लाइक मुझे ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स चाहिए, तो
तुम क्वेरी का इस्तेमाल करोगे, जब तुम्हें सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट ढूंढना है तब तुम उसका क्यू शॉर्ट हैंड मेथड है वो इस्तेमाल करोगे। तो ये कुछ नहीं बस ये वही है सॉर्ट फॉर क्यूरी एंड देन बिल्ड डॉट फर्स्ट, उसका जो भी तुम क्यूरी करके जो भी एलिमेंट तुम्हें एक ग्रुप मिलेगा उसका पहला एलिमेंट रिटर्न कर देता है। पर फॉर नाउ हमें एक यूनिक आइटम ही रिटर्न कर लेना है या एक ही आइटम लेना है, तो मैं बस क्यूरी क्यू के साथ जाऊँगा और ये छोटा भी सही भी है। और क्यू में इसमें दे देता हूँ टाइप कौन सा रहेगा, वेक्टर 3 फील्ड टाइप है। अब यहाँ पर मुझे सर्च करने के दो तरीके, या तो क्लास नेम से सर्च कर सकता हूँ या तो नेम फील्ड से सर्च कर सकता हूँ। हमने नेम डिफाइन किया था तो हम लोग नेम फील्ड से जाएंगे नेम, एंड इसका यहाँ पर लाइक नाम मैं दे देता हूँ मेन बाउंड, ये भी लाइक चेक कर सकते हैं यहाँ पर लाइक मेन बाउंड, यस मेन बाउंड। तुम लोग चाहते हैं यहाँ से लाइक नेम कॉपी कर सकते हो क्योंकि एक स्ट्रिंग है, तो मैं कोई गलती नहीं करना स्ट्रिंग के साथ, एक स्पेस भी लाइक दिक्कत कर देती है ना, तो मेन बाउंड। सेम गोज फॉर तुम्हारी वेक्टर 3 फील्ड मैक्स के लिए, सेम प्रोसीजर रहेगा। तो इस तरह करके हम दोनों फील्ड को गेट कर लेंगे, राइट। नाउ हमने ये फील्ड तो गेट तो कर ली, पर हमें कैसे रीड करेंगे कि जो जो लोग डेटा दे रहे हैं उसमें उस फील्ड में जो डेटा पास करें उसकी वैल्यू जब चेंज होगी उसको रीड कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे कॉल बैक्स का या इवेंट्स कह लो सिंपली। सो मैं मेन माउंट फील्ड को ले लेता हूँ, इसमें एक कॉल बैक रजिस्टर करूँगा, या तुम यहाँ पर सिंपली यूज़ कर सकते हो रजिस्टर वैल्यू चेंज कॉल बैक, या तो तुम रजिस्टर कॉल बैक, डिपेंड तुम्हें करता है। फिर तो मैं चलता हूँ रजिस्टर कॉल बैक के ऊपर सिंपल यूज़ करते हैं। इसमें हम लोग देंगे इवेंट टाइप, तो इसमें इवेंट होगा हमारा चेंज इवेंट करके नाम। चेंज क्या हो रहा है हमारा, वेक्टर 3 चेंज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद मैं इसमें एक लैम्डा फंक्शन को बनाना पड़ेगा। सो मैं एक लैम्डा फंक्शन बना देता हूँ यहाँ पास करके ऐसे, और हो गया। तो ये एक लैम्डा फंक्शन तो कुछ नहीं, एक तरह से शॉर्ट हैंड वे है मैथड्स को लिखने का, पर यहाँ पर मुझे एक एरर आ रहा है। तो ये एरर क्योंकि यहाँ पर मुझे एक, क्योंकि जब भी मैं वैल्यू चेंज करूँगा तो मुझे ये कुछ वैल्यू देगा, नई वैल्यू देगा, तो मैं यहाँ पर कुछ सिंपली वैल लिख देता हूँ उसके लिए, और मैं एरर चला गया। और यहाँ पास को मैं स्ट्रैक कर ले रहा हूँ मेथड को यहाँ पास, ठीक है। और यहाँ पर लाइक फॉर एग्जाम्पल फॉर टेस्टिंग पर लाइक मैं डीबग डाल देता हूँ, डीबग डॉट लॉग और वैल कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब सेम चीज़ मैं करूँगा मैक्स बाउंड फील्ड के लिए, तो उसमें कॉपी कर ले रहा हूँ यहाँ कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, यहाँ पर। और फिर यहाँ पास मैं बात चलता हूँ एडिटर में ना, अगर एडिटर में मैं अपना डीबग काउंसिल खोल लूँ, मैं इसको सेव कर लूँ कुछ, और लेट्स सी डीबग काउंसिल, डीबग काउंसिल जनरल, एंड यहाँ पर काउंसिल काउंसिल को ले जाके मैं यहाँ रख दे रहा हूँ अपना, ठीक है। सो अगर जब भी यहाँ पर कुछ नई वैल्यू या चेंज करता हूँ, जैसे मैं वाइफ बन देता हूँ, तो मुझे वो रिफ्लेक्ट होते दिख रहा है। ओके सो यहाँ पर मैं एक चीज़ कर, मैं यहाँ वैल डाल रहा हूँ, पर मुझे इसकी वैल तुम्हारे एक्चुअली वैल में तुम्हें यहाँ डॉट करके न्यू वैल्यू करनी है, जिससे तुम्हें इसका एक मिल जाएगा जो नई वैल्यू पास, जो न्यू वैल्यू है वो तुम्हें दिखने जाएगी डीबग डॉट लॉग में अभी के लिए। तो अब अगर मैं इसमें वापस लाइक वन करता हूँ तो ये 0101 आ गया। यहाँ पर लाइक 10 भी करता हूँ या कुछ भी लाइक चेंजेस करना शुरू करता हूँ, तो मुझे वो वैल्यू यहाँ पर रिफ्लेक्ट होने दिख रही है, राइट। नाउ हम लोग अपनी वैल्यूज़ को तो रीड कर पा रहे हैं, पर उसको कुछ इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। उसको इस्तेमाल करने के लिए कुछ पहले वैल्यूज और बनाने पड़ेंगे, एक वैक्टर सी बनाना पड़ेगा जिसको हम सही में स्टोर कर पाएँ जो नई वैल्यूज़ को। सो लेट्स से प्राइवेट वैक्टर 3 तो मैंने मेन और मैक्स बाउंड के दो वेक्टर्स ही बना दिए हैं। और क्या करता हूँ, मेन और मैक्स बाउंड को स्लाइस भी कर देता हूँ ऊपर साइड, बिकॉज अभी इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो मेन इज इक्वल टू मैक्स बाउंड इज इक्वल टू वेक्टर 3.0, सब बाय डिफॉल्ट दो की वैल्यू सब दोनों 0-0 होगी। और जब भी मैं लाइक वैल्यू को चेंज करूँ तो इन वैक्टर 3 में कुछ चेंजेस आए, तो डीबग को तो मैं हटा देता हूँ क्योंकि मुझे पता चला कि काम कर रहा है। तो सिंपली मेन बाउंड इज इक्वल टू क्या था, वेल डॉट न्यू वैल्यू, सेम फॉर द मैक्स बाउंड के लिए। नाउ इतना करने से अपनी वैल्यू को अपने एक वेरिएबल में स्टोर कर पाए, जिससे हम लोग उसको रैंडमाइज करने के लिए अब इस्तेमाल कर पाएंगे इस वैल्यू को। नाउ हम लोग अपनी फील्ड्स को भी गेट कर पा रहे हैं, बटन से रैंडमाइज भी कर सकते हैं, पर मेन दिक्कत है अब हम ऑब्जेक्ट्स को रैंडमाइज कैसे करें जो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स होंगे, और इन द फर्स्ट प्लेस हम सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स को गेट कैसे करें उस एड। तो लाइक से मैं अपना इंस्पेक्टर खोल लेता हूँ, मैं कहाँ गए इंस्पेक्टर, और विंडोज इंस्पेक्टर नहीं सॉरी हायरार्की खोल लेता हूँ, जनरल एंड हायरार्की में जाके। तो ये मेरा हायरार्की आ गया, लेट्स से इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ कर दे रहा हूँ नीचे साइड। इस सैम्पल ऑब्जेक्ट में कुछ भी नहीं है, तो मैं जल्दी इसमें क्या करता हूँ, थ्री ऑब्जेक्ट क्यूब, और इसमें से मल्टीपल क्यूब बना लेता हूँ ढेर सारे, ठीक है। अब मुझे यूनिटी को पता कैसे चलेगा कि मैं इस क्यूब सेट किया, इस क्यूब को सेट किया हूँ ये चीज़, तो उसके लिए यूनिटी में एक कॉल बैक है या मेथड है कॉल ऑन सेलेक्शन चेंज। तो ये कॉल बैक तब तब इश्यूड होगा जब भी मैं अपने यूनिटी एडिटर में कुछ सेलेक्ट करूँगा, ठीक है।
सो मैं उसका लेता हूँ प्रोवाइड ऑन ऑन सेलेक्शन चेंज, ये आ गया, इसको मैं टैप करके कंप्लीट कर रहा हूँ। तो ये मैंने तब तक कॉल होगा जब जब अपने हाकिम कुछ ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट से डीबग डॉट लॉग सेलेक्शन चेंज, तो ये एंड उसको वापस आता है एडिटर में। सो मैं काउंसिल को यहाँ ड्रैग कर ले रहा हूँ, यहाँ यहाँ रख ले रहा हूँ, ठीक है। सो जब भी मैं कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करूँगा, जैसे इसको क्लियर कर देते हैं, सो मेरे पास सिलेक्शन चेंज का मैसेज आने लग गया है। पर अभी इतना भी काफ़ी नहीं है क्योंकि हमें पता नहीं चला कि कौन सा ऑब्जेक्ट रियली सिलेक्टेड है या कौन कितने सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स हैं। तो उसके लिए यूनिटी में एक और API है कॉल सिलेक्शन डॉट ट्रांसफॉर्म। सो ये तो एक उनको एक अरे रिटर्न करेगा और जितने भी तुम्हारे सिलेक्टेड के ऑब्जेक्ट्स होंगे उसको करने यूज़ करने से पहले तो मैं एक वेरिएबल और बना ले रहा हूँ ऊपर साइड, सर प्राइवेट और ट्रांसफॉर्म, ये एक अरे होगा जितने भी सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स का। सो सिलेक्टेड और ट्रांसफॉर्म्स कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर नाम होगा, सेलेक्टेड ट्रांसफॉर्म्स। एंड देन मैं ऑन सिलेक्शन चेंज में जाके सिलेक्टेड ट्रांसफॉर्म को इक्वल कर दूंगा सिलेक्शन, एक API है, और मैं सिलेक्टेड और लेट्स सी क्या नाम था, हाँ सिलेक्शन डॉट ट्रांसफॉर्म करके, ठीक है, सिलेक्शन डॉट ट्रांसफॉर्म से सॉरी। सो ये मुझे रिटर्न कर देगा ऑल द ट्रांसफॉर्म जो भी सिलेक्टेड हैं, तो ट्रांसफॉर्म, ठीक है। आई थिंक इससे एक बेटर API भी होगा शायद मेरे सबसे, ट्रांसफॉर्म द गेट ट्रांसफॉर्म, आई थिंक ये एक गेट ट्रांसफॉर्म, ये इसकी बेटर वर्जन है। तुम इसमें सिलेक्शन मोड डिफाइन कर सकते हो। तो अगर तुम कुछ इससे कुछ बढ़िया सा टूल बनाना जा रहे हो तो मैं रिफ़र करता हूँ तुम इस गेट ट्रांसफॉर्म को यूज़ करो, क्योंकि तुम सिलेक्शन मोड डिफाइन कर सकते हो। पर मैं अभी बेसिक सा स्टिक रहूँगा और सिंपली ट्रांसफॉर्म को ले लूँगा, ओके। एंड अगर मैं इसमें और सिलेक्ट, तो इससे मेरे को एक अरे मिल जाएगा जितने भी मेरे सिलेक्टेड ट्रांसफॉर्म है उसका एक अरे मिल जाएगा। इवन लाइक मैं फॉर ईच करके जाना जाता है, लाइक फॉर ईच वर्ड ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट इन सेलेक्टेड ट्रांसफॉर्म करके और डीबग डॉट लॉग ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट डॉट नेम कर लेता हूँ, और जाके मैं वापस एडिटर में जाता हूँ और जब सेलेक्ट करूँगा तो मुझे उन सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट का नाम दिखना चाहिए जैसे मैं कोड लिखा है। क्लियर करते हैं और मैं चेक कर रहा हूँ, जैसे तुम्हें जितना सेलेक्ट उतने ऑब्जेक्ट का नाम भी आ रहा है मेरे को, लेकिन क्लियर करता हूँ। और लेट्स इस बार मैं 9 को Q9 को सेट किया और उससे Q3 को सेट कर लिया, तो Q3 का भी आया, Q9 का 2 बार आ गया। और जैसे मैं इतना सब को सेट कर दिया तो मुझे सारे इतने एलिमेंट सेलेक्टेड थे उन सब का एक डीबग आ गया। सो इस तरह से मैं सारे गेम ऑब्जेक्ट्स को अब गेट कर पा रहा हूँ सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स से मेरे पास। सो उसके लिए मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, और मैं सिलेक्शन चेंज वाले को भी अब डीबग हटा देता हूँ, अब इस डीबग का काम नहीं है। और तुम लोग को याद होगा हम लोगों ने एक लेबल बनाया था, लेबल कहते हैं सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट काउंट करके, तो इस लेबल को इस्तेमाल ही कर लेते हैं। तो मैं इस लेबल को भी गेट कर लेता हूँ यहाँ पास, लेबल और लेट्स से सिलेक्टेड उसको गेट करने के तरीके तो सेम होगा, हम लोग नेम से गेट करेंगे। लेट्स से का कोई नेम दिया था हम लोग ने, तो लेट्स से इसको कोई नाम देते थे, ओके। इस लेबल को मैं नाम सिलेक्टेड दे दिया है, तो कंट्रोल प्लस सी, एंड उसके बाद हमको बस क्यूरी करनी है, ओके। इवन लाइक बेटर हम लोग यहाँ क्यूरी करने के बजाय इस क्यूरी को ले जाके हम लोग यहाँ करते हैं, जब हमने जनरेट किया तभी उसी पॉइंट पर सारी चीज़ों को गेट कर लेते हैं, बिकॉज ये क्यूरी तब तक होगी जब जब हम लोग सिलेक्शन चेंज करेंगे, जो थोड़ा सा लाइक परफॉर्मेंस में अच्छा नहीं है। तो अपने क्यूरीज को यहीं कर लेते हैं सारी एक बार में, और फिर उसको उसको हम लोग सेव कर लेंगे। तो क्यूरी लेबल और यहाँ पास हमको आई थिंक नेम, ओके नेम लेना होगा, ओके लॉन्ग थिंग, कंट्रोल प्लस सी और कंट्रोल प्लस वी सेलेक्टेड। और इसको मुझे इस वेरिएबल को यहाँ एक्सेस करना है, तो उसको क्या कर देता हूँ मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर ले रहा हूँ, तो वेरिएबल में कंट्रोल प्लस सी उसको यहाँ से हटा देता हूँ और इसको जाके यहाँ पर ग्लोबल वेरिएबल बना लेता हूँ। सो ग्लोबल लेवल की वेरिएबल बन गया मेरा, और इसको फिर यहाँ पास मैं एक्सेस कर पाऊँगा। सो जस्ट फॉर सेफ्टी चेक तुम चाहो एक नल चेक भी डाल सकते हो सब फील्ड्स में, पर मुझे विश्वास है कि मेरा ये एलिमेंट ढूंढ ही लेगा उसको। सो सिंपली मैं क्या नाम रखा था मैंने, सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट काउंट लेबल, और इसमें हमें एक्सेस करना है टेक्स्ट एट्रीब्यूट को, टेक्स्ट, और उसके बाद हम दे सकते हैं जैसे एंड यहाँ पर सिंपली देते हैं सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट काउंट, और यहाँ पर भी सिलेक्टेड ट्रांसफॉर्म डॉट आई थिंक लेंथ, हाँ लेंथ को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और जब भी लाइक मैं अब एडिटर में वापस जाऊँ
तो जब भी लाइक मैं चेंजेस करूँ तो यहाँ पर मुझे वो उसका काउंट दे, मैं कितने सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को मैं सेट किया हूँ। जैसे मैं यहाँ पर सेट करता हूँ चार को, सेट को चार मुझे दिख रहा है, मैं पाँच पर करता हूँ पाँच हो गए, मैं लाइक डिस्टेंट डिसलेक्ट करता हूँ सब कुछ तो जीरो हो गए। तो मुझे चेंजेस अब दिख रहे हैं रन टाइम पे यहाँ पास, राइट। अब इन ऑब्जेक्ट्स को कुछ करते हैं रैंडमाइज करने के लिए, तो मैंने एक सिलेक्टेड ट्रांसफॉर्म बनाया था, तो मेरे पास इन ऑब्जेक्ट्स में लूप करना है, अपनी रैंडम वैल्यूज़ को डालना है, राइट। सो मैं बटन प्रेस को भी हटा देता हूँ यहाँ से, और यहाँ पास मैं एक लूप चलाऊँगा फॉर ईच करके, और यहाँ पास वो ऑब्जेक्ट इन क्या था होता सिलेक्टेड ट्रांसफॉर्म में, और फिर उसकी मुझे फ्लोट एक्स इज इक्वल टू रैंडम डॉट, ओके रैंडम डॉट एज। आई थिंक मैं सिस्टम क्लास को यूज़ कर रहा हूँ, मैं यहाँ से सिस्टम को हटा देता हूँ, ओके रैंडम डॉट रेंज। और यहाँ पर मुझे मेन एंड मैक्स बाउंड्रीज देनी है, और ये मेन मैक्स बाउंड कहाँ से लेंगे, मेन बाउंड से जो हमने वेरिएबल्स यहाँ बनाए हैं वेक्टर थ्री, जिसको हम लोग फील्ड से गेट कर रहे थे, तो उसी से। तो मेन बाउंड डॉट एक्स कॉमा मैक्स, और मैक्स बाउंड डॉट एक्स, सेम फॉर वाई जेड। सो जिसमें कर लेता हूँ नाउ, मैं तीन रैंडम वैल्यूज बना लिए फ्लोर एक्स वाई जेड के लिए। अब मुझे उसको बस अप्लाई करना है, सो उसके लिए मैं करूँगा ऑब्जेक्ट डॉट ट्रांस, सॉरी ट्रांसफॉर्म तो ऑलरेडी मैं एक्सेस ही कर रहा हूँ, डॉट पोजिशन इज इक्वल टू एक नया वेक्टर थ्री बना देंगे, वेक्टर थ्री, और उसमें एक्स वाई जेड को पास कर दूंगा, एक्स वाई और जेड तुम्हारा, एंड बूम डन। और लाइक अगर मैं यूट्यूब में वापस जाता हूँ और सब कुछ सेव करता हूँ, और इसको मैं वापस लाइक एक्सपैंड करता हूँ इसको अपने इस एडिटर को, और लाइक मैं अपने सारे क्यूब्स को अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पर लाइक कुछ जीरो से लाइक कुछ 10 और लेट्स से 10 दे देता हूँ यहाँ भी, और 10 यहाँ भी दे देता हूँ, और रैंडमाइज क्लिक करूँगा, तो ये इसने सारी मेरी वैल्यूज़ को अब रैंडमाइज कर दिया है। इवन लाइक मैं और मिनिमम में कुछ दे देता हूँ, लाइक 10 -10 से लेके -10 से लेके और लाइक माइनस 4 के बीच में कुछ वैल्यू दे दो, तो ये जब भी मैं क्लिक कर रहा हूँ मेरे सारे ऑब्जेक्ट को रैंडमाइज कर ले रहा हूँ। इवन लाइक अगर मैं चाहता हूँ सिर्फ ये दोनों को करो, तो ये वो भी हो रहा है, वो दोनों हो रहा है। तो दैट्स इट, इतना आसान है तुम्हारा एक कस्टम विंडो एडिटर बनाना। और तुम चाहो तो इस विंडो एडिटर को और एक्सटेंड कर सकते हो, अपने खुद के टूल्स डाल सकते हो या कुछ भी। और इस वीडियो देखने के बाद आई थिंक तुम लोग अपना खुद का विंडो एडिटर भी बना सकते हो, पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारी हैं। अब ये तुम पे, तुम्हें कैसे इस टूल को यूज़ करना है अपने विंडो एडिटर्स बनाने के लिए। सो अगर तुम इस वीडियो को सीख पाए हो, तो तुम चाहो तो चैनल को लाइक भी कर सकते हो, शेयर कर सकते हो इस वीडियो को दूसरे डेवलपर्स के पास, और चाहो तो उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। सो मैं मिलूंगा तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट आने वाले वीडियोज़ में लोग और बात करेंगे इस एडिटर टूलिंग के ऊपर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।